हेलो एंड वेलकम अगेन टू नौरी बाबा यूट्यूब चैनल। आज हम इसमें देखेंगे एक रोड साइड सर्वे, तो आइए अपनी वीडियो देखते हैं। आइए आपको सर्वे कराते हैं हाईवे में टोटल पार्को पेट्रोल पंप, सैफी रोड के मोड़ से और फारिया चौक, और फारिया चौक से फिर मुड़ के एमसीसी लॉन तक का। ये जो पीला एरो आप देख रहे हैं, ये वो इलाका है जहाँ अक्सर पानी भरा रहता है। ड्रेनेज सिस्टम की वजह से कुछ इसकी ख़राबी है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती सैफी रोड को, ताकि ये रोड स्पानी रोड के पैरेलल काफ़ी दबाव ले सके और काफ़ी अच्छी हो जाए गुजरने के लिए लोगों को। और इसके बाद अब देखेंगे कि जो फारिया चौक है उससे मोड़ से मुड़ते ही ट्रैफिक इतना शदीद जाम होता है कि जा बजा ठेले हैं और इतने स्टॉल हैं, ये अब आपको हम दिखाएंगे। आप देखिए गलत पार्किंग है कि ये क्या है, ये देखिए हम ये मुड़ के आ रहे हैं वहाँ से टोटल पार्को पेट्रोल पंप के पास से सैफी रोड पे, और अभी हम चल रहे हैं। ये देखिए बसें खड़ी हुई हैं, बसों ने अपनी पार्किंग बनाई हुई है, और ये यहाँ से ये पानी जो है वो शुरू हो गया। ड्रेनेज का सिस्टम है वो ठीक नहीं है। वो अगर सिस्टम ठीक हो तो सही तरह से निकासी है आब हो। अब यहीं से ये पानी भरने वाले थ्री व्हीलर जो हैं ये जा रहे हैं, और ये पानी जो है पड़ा हुआ है यहाँ जो कि ख़राब पानी है। इससे आगे निकलेंगे तो वहाँ भी देखिए जगह जगह आपको गाड़ियों की पार्किंग नज़र आएगी, और रोड को अच्छा खासा घेरा हुआ है। ये यहाँ ठेले पथारे, यहाँ देखें ओपन एरिया में गैस तक की फिलिंग हो रही है। ये देखिए ये पुराने फर्नीचर का बाज़ार है, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से ठेले और बाकी फैक्ट्री भी बनी हुई है पाइप की, और ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा हुआ है और फिर ये ठेले लगना शुरू हो गए हैं। ये देखें ये यहाँ मटेरियल पड़ा हुआ है और ये ठेले किस कदर बेतहाशा। यहाँ कोई जगह ऐसी नहीं है जो खाली बची हुई। जैसे हम फारिया से मुड़ते हैं तो ये बिल्कुल कोने में भी गटर बहुत बड़ा सा नाला खुला हुआ है, इसकी भी कोई ऐसी देखभाल नहीं होती कि इसको प्रॉपर बंद कर दिया जाए, इसको ठीक कर दिया जाए एक दफ़ा। फिर यहाँ कोई बीफ पुलाव बन्नू का है, तो कोई पंजाब के छोले हैं, तो कोई नाश्ता है, कोई कहाँ की चीज़ें हैं, और ये फलों के हाथ गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं जिसकी वजह से अगर दूसरी गाड़ियाँ पार्क होती हैं तो शदीद ट्रैफिक का दबाव होता है, और हमेशा शदीद ट्रैफिक जाम होता है। अब ये नहीं पता कि ये लोग किसके अंडर में आते हैं, या कौन इस चीज़ को ठीक कर सकता है या ठीक करना नहीं चाहता, कि ये थोड़ी सी इसकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि ये अगर इम्प्रूवमेंट कर दी जाए, जो इंक्रोचमेंट है इसको ठीक किया जाए। हर दुकान वाले ने अपना ये हक समझा है कि वो दुकान से काफ़ी आगे निकाल के अपने उसको रखेगा, और उसके बाद भी बाकी जगह दूसरे लोगों को देगा कि जी आप इसको इस्तेमाल कीजिए, किराया उनको देते रहे, और फिर गाड़ियाँ खड़ी होंगी तो फिर ट्रैफिक जाम होगा ही। और ये वो हिस्सा है जहाँ जुमे को और पीर को बाज़ार लगता है। ये देखें चलना ही मुश्किल हो रहा है, चल ही नहीं सक रहे हैं। इस एरिया में बाज़ार लगता है, और बाज़ार के बाद ये एमसीसी शादी हॉल है जो गुलजार एजरी सेक्टर 15 में है। यहाँ तक यही हाल है, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको भी शेयर करें, और आप बताएं आपको किस मौजू पे किस किस्म की वीडियो देखनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।